सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। तो बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं अब रेगुलर होंगे। सीएम सुक्खू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सीएम सुक्खू ने उनकी मांगों को पूरा करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि ई गवर्नेंस को भी मजबूती मिलेगी। चाहते हैं नई युवा पीढ़ी है, चाहे GPT पर जाए, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो, और आने वाले समय में 1 साल के भीतर आप सरकारी कर्मचारी कार्यालय में ई गवर्नेंस देखिए। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी हम बहुत आगे जाना है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, उसे सिर्फ 10,000 रुपया आउटसोर्स के माध्यम से मिलता है, जो मुझमें ही मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जितने भी OT हैं इनको हम आउटसोर्स पर जो कमी लगे हैं, और आउटसोर्स को भी हम चाहते हैं कि किसी ना किसी रूप में हम आपके लिए रेगुलर पोस्टिस निकालें, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कोशिश कर रही है। तो हमारी सरकार अभी तो जो आउटसोर्स पर लगी है, OTA वाले जब कुछ 10 से 20 हजार रुपये करने की योजना करता है। हेल्थ में हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में ये है, पिछले दिनों हमने रोबोटिक कैथ लैब का टांडा में स्वीकृति दी, यहाँ रोबोटिक सर्जरी के लिए स्वीकृति दी और पैट स्कैन के लिए स्वीकृति दी।